हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये रेसिपी है पानी पूरी के खट्टे और मीठे पानी की। खट्टा पानी कुछ इस तरह का होता है, यानी ग्रीन कलर में होता है, जो काफी यम लगता है। और साथ में ये जो हमारा मीठा पानी है, ये भी बहुत टेस्टी लगता है। पानी पूरी का पूरा टेस्ट पानी पूरी के पानी पर ही डिपेंड करता है। पानी आप जितना टेस्टी बना लेंगे, पानी पूरी आपको उतनी ही अच्छी लगेगी। पानी पूरी की रेसिपी मैं बना चुकी हूँ, जिसे आपने बहुत पसंद किया है। आप में से अगर किसी ने पानी पूरी की रेसिपी नहीं देखी है, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर चेक कर लीजिएगा। आइए ये मजेदार सा खट्टा मीठा पानी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हरा पानी, जो टेस्ट में खट्टा होता है। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक मिक्सिंग कप। इसमें हम ऐड कर देंगे हरा धनिया, और हरे धनिया के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे पुदीना। यहाँ पर पुदीने और हरे धनिया की जो क्वांटिटी है, आप दोनों बराबर ले सकते हैं। ये ऐड कर देंगे इसमें हरी मिर्च। यहाँ पर हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अगर आपको तीखा ज्यादा पसंद है, तो हरी मिर्च आप अपने हिसाब से थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं। ये छोटा सा पीस लेंगे अदरक का। साथ ही डाल देंगे इसमें पानी। पानी आपको इसमें डालना है 3 से 4 कप, और फिर इसको कर लेना है ग्राइंड। तो देखिए, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अभी इसको हमें छानना है। छानने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक बॉल। बॉल पर आप सेट कर दीजिए एक छलनी और इसको छान लीजिए। छानने के बाद ये देखिए पानी कुछ इस तरह का है। तो ये हमें ऐसा ही नहीं रखना है, अभी इसमें हम और पानी ऐड करेंगे। अभी ये पानी मैंने इसमें 1 लीटर और ऐड कर दिया है। ये सिंपल पानी ऐड करने के बाद हम इसमें ये इमली का पानी ऐड कर देंगे। ये इमली का पानी जैसे ही इसमें गया है, कलर आप इसका देख सकते हैं, काफी चेंज हो गया है ना। अभी इसमें हम ऐड कर देंगे 1 नींबू का रस। 1 स्पून इसमें डाल देंगे जीरा पाउडर। 1/4 टीस्पून इसमें डाल देंगे दालचीनी पाउडर। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें काला नमक, और साथ ही डाल देंगे आप इसमें सिंपल वाला नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये डाल रही हूँ मैं इसमें 1/2 टीस्पून हींग। अभी इसको हम यहाँ पर मिला देंगे, और अच्छे से मिलाने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे बूंदी। तो ये बूंदी जो है मार्केट में इजीली मिल जाती है, ये डाल देंगे इसमें। और अभी ये तैयार हो गया है हमारा हरा पानी, जिसका टेस्ट एकदम से खट्टा है। ऊपर से डाल देंगे हम इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, और अभी ये सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये हरा पानी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम तैयार करेंगे मीठा पानी। तो मीठा पानी बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक पैन। इसमें हम ऐड कर देंगे गुड़, यानी जैगरी, और ये मैंने लिया है तकरीबन 3 कप। यहाँ पर ये गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे, और इसको हमें मेल्ट होने देना है। ये मेल्ट हमारा तकरीबन हो चुका है, थोड़ा सा बचा है, तो इसको और होने देंगे। तो देखें, अभी ये बिल्कुल तैयार है, यानी ये मेल्ट हो चुका है। तो अभी इसको हम एक बॉल में छान लेंगे। छानने के बाद हम इसको फिर से पैन में करेंगे। तो देखें, अभी ये पकना शुरू हो गया है, तो अच्छे से इसको पकने देते हैं। अभी इसमें हम और जो कुछ भी ऐड करेंगे, वो 5 मिनट के बाद ऐड करेंगे। तो अभी इसको पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गई हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे यहाँ पर कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर में आप पहले थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, अच्छे से मिला लें, तब ऐड करें। अच्छा, ये कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद अभी इसको हम 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। ये देखें, अभी ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। कॉर्नफ्लोर जैसे ही इसमें जाता है, ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाता है। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप इमली का पानी, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, थोड़ी सी ऐड कर देंगे लाल मिर्च, थोड़ी सी डाल देंगे हींग, साथ ही चला जाएगा इसमें काला नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम डाल देंगे सिंपल नमक। अभी इसको हम यहाँ पर मिला देंगे, और इसको थोड़ा सा थिक होने देंगे, यानी अभी हमें इसको थोड़ी देर के लिए और पकाना है। ये देखें, जब ये इस तरह की हो जाए, यानी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, बस आप समझ लें ये चटनी हमारी बिल्कुल तैयार है। चलें, अभी ये गैस की फ्लेम यहाँ बंद कर देते हैं, और इसको हम निकाल लेंगे एक बॉल में।
ये चटनी हमारी इस तरह की बनी है, बिल्कुल परफेक्ट है। और ये जो हमारी चटनी है, इसी से हम पानी तैयार करेंगे। तो चलिए पानी तैयार करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे एक बॉल, यानी कोई भी बर्तन आप ले लीजिए। इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले चटनी। तो ये मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1.5 से 2 कप। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो ये पानी मैंने इसमें तकरीबन 1 लीटर ऐड किया है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे इमली का पानी, और ये हमें ऐड करना है तकरीबन 1 कप। अभी हम इसमें डालेंगे सबसे पहले काला नमक, ये हो गया हमारा सिंपल नमक। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, ये 1/2 टीस्पून डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और ये डाल देंगे हम इसमें बूंदी। मिला देंगे इसको, और ये हमारा मीठा पानी भी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं ये पानी भी काफी मजे का बना है। हमारे दोनों ही पानी बनकर के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़े थोड़े आइस क्यूब, क्योंकि ये पानी ना एकदम से चिल्ड अच्छा लगता है, थोड़ा ठंडा होना चाहिए। देखें अभी ये बिल्कुल तैयार है हरा पानी। आप देखें कितना मजे का लग रहा है, दिखने में ही कितना अच्छा लग रहा है। और साथ में जो ये मीठा पानी है, ये भी काफी यम लगता है। और एकदम से ये दोनों ही पानी हाइजीनिक तरीके से बने हैं, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से। आप इसको जरूर बनाएं, मजे लीजिए, इंजॉय कीजिए। यहाँ पर मीठे पानी के लिए मैं आपको एक टिप दे रही हूँ। ये जो हमने मीठी चटनी बनाई है, आप इसको पहले से ही बनाकर स्टोर कर सकते हैं। तकरीबन 1-2 महीना आप अपने फ्रिज में इसको रख सकते हैं। जब भी आपको पानी तैयार करना हो, चटनी ऐड करें और बाकी चीजें ऐड करें, आपका पानी झटपट तैयार हो जाएगा। वैसे तो हरे पानी के लिए भी जब आप शुरू में चटनी तैयार करते हैं, तो चटनी के आप आइस क्यूब बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो पानी हरा वाला होता है, ये पानी एकदम से जब फ्रेश धनिया होता है, फ्रेश पुदीना होता है, तब ज्यादा अच्छा लगता है। बहरहाल आप वो करें जो आपको ज्यादा पसंद है, बस आप खुश रहिएगा और इंजॉय कीजिएगा।